नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रजापत BA पार्ट 2 के वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर हम DBMS पढ़ रहे हैं। DBMS के अंदर हमने विजुअल फॉक्स प्रो के बारे में चर्चा की थी। पिछले क्लास में हमने जॉइंस के बारे में पढ़ा था, एनवायरमेंट सेटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम कस्टम स्क्रीन के बारे में चर्चा करेंगे। कस्टम स्क्रीन क्या होती है, कैसे यूज़ लिया जाता है, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का उपयोग और डबल क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ें हैं सारी। और इनको हम आगे अब कैसे यूज़ लेंगे, कैसे इनका कार्यक्रम करेंगे, कैसे इनका प्रयोग करेंगे, या फिर कस्टम स्क्रीन क्या होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। फॉक्स प्रो में आउटपुट दर्शाने के लिए क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क या डबल क्वेश्चन मार्क कमांड से प्रिंट किया गया डेटा फॉक्स प्रो के अगली पंक्ति या समान पंक्ति में प्रिंट होता है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कब समान उस रो में आएगा और कब अगली रो के अंदर आएगा। क्वेश्चन मार्क या डबल क्वेश्चन मार्क कमांड में ये संभव नहीं है कि ये बताएं कि किस पंक्ति में डाटा कब प्रिंट होना चाहिए। अगर मुझे अलग अलग टाइप से डिज़ाइन से डाटा इसको प्रिंट करवाना है या फिर उससे सहूलियत रहे उस प्रकार से प्रिंट करवाना है तो ये क्वेश्चन मार्क कमांड के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कार्य कस्टम स्क्रीन के माध्यम से संभव है। फॉक्स प्रो में कस्टम स्क्रीन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला एट द रेट कमांड के लिए इस कमांड का उपयोग करते हुए, और दूसरा है फॉर्म डिजाइनर के माध्यम से, जो फॉर्म डिजाइनर होता है उसके माध्यम से अभी हम कर सकते हैं। इस आपके जो सिलेबस है उसके अंदर एट द रेट कमांड है, उसके बारे में समझाया गया है तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये, इसका कुछ कमांड्स हैं। इसके अंदर जो पहला कमांड आता है अपना वो आता है एट द रेट से। एट द रेट से कमांड क्या होता है, इसका मतलब इस कमांड में दिए गए एक्सप्रेशन के परिणाम को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से रो तथा कॉलम संख्या बताते हुए इच्छित पोजीशन पर डेटा को प्रिंट कराया जा सकता है। आप समझ रहे हैं इसके अंदर क्या बोला इसने, कि इसके अंदर अपनी हिसाब से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होगा वो इस प्रकार होगा, क्या होगा, एट द रेट रो कॉलम से एक्सप्रेशन देना है आपको, उसके बाद आप फंक्शन डाल सकते हो, उसके अंदर पिक्चर डाल सकते हो, उसके अंदर फॉन्ट डाल सकते हो, इसके अंदर आप स्टाइल डाल सकते हो। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझेंगे इसको, ठीक है। क्या हो गया, एट द रेट मेरे को रो का नंबर देना है, 5 दिया मैंने, उसके बाद मैं अब क्या दूंगा, से जब भी कोई अक्षर आएगा या वर्ड आएगा तो हम डबल कोलन के अंदर इसको लिखेंगे। तो जब भी मैं ऐसा कमांड देता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, अच्छा रो के साथ हमें कोलम भी देना था 10, तो ये क्या होगा, पांचवी नंबर की रो के अंदर 1 2 3 4 5, पांचवी अंदर की रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर आके इसको हेलो प्रिंट करा देगा, क्योंकि हमने पांचवी रो और 10वां कॉलम के अंदर इसको बोला है कि आप जाके प्रिंट हो जाओ। तो आपने देखा कि जब मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा था तो हमेशा यहीं पर प्रिंट कराता था, उसके जस्ट नीचे लाइन में, पर अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये थोड़ा आगे जाके प्रिंट इसको करवा रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि हमने कस्टमाइज कर दिया, कस्टम स्क्रीन का उपयोग करते हुए, क्या कर दिया हमने, कस्टम स्क्रीन का प्रयोग करते हुए इसको कस्टमाइज कर दिया। अब अपन आगे देखते हैं कि अगला इसका एग्जांपल है एक, कि जैसे 1 = 3 एट द रेट 5 3 से a into a into a, तो क्या आएगा, 5 मतलब रो नंबर 5 में 1 2 3 4 और पांचवें नंबर की रो में
एक दो और तीन नंबर कॉलम के अंदर, तो यहां पर आके क्या प्रिंट कराएगा, एक कितना है तीन है, तो तीन इंटू तीन इंटू तीन कितना होता है 27, 27, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको प्रिंट करवा रहा है। आई होप आपकी चीज समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से कस्टम तरीके से इसको प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी डाल सकते हैं। अब अपन देखें इसके अंदर कि आपको एक अगला जो एग्जांपल है या फिर अगला जो कमांड है वो है क्लियर टू एट द रेट सी एल ई ए आर क्लियर टू। क्लियर टू कमांड का उपयोग किया जाता है। क्लियर टू कमांड से स्क्रीन का कुछ हिस्सा क्लियर किया जा सकता है। इस कमांड का प्रारूप कैसा रहेगा, ऐसे एट द रेट आर वन सी वन, ठीक है, क्लियर टू आर टू सी टू। कैसे आप देखोगे कि आर टू आर वन से लेकर आर टू तक, सी वन से लेकर सी टू तक। अब मैं इसके अंदर क्या देखना चाहता हूं कि मेरे पास एक ये एक स्प्रेडशीट है, टेबल है, तो इसके अंदर क्या होता है, रोज होती है, रो इधर से होती है एक दो तीन चार पांच, कॉलम इस तरफ होते हैं एक दो तीन चार पांच। मैं चाहता हूं कि मेरे यहां से लेकर यहां तक का डाटा सारा उड़ जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है, ये जो है ये डेटा क्लियर हो जाए और बाकी सारा डेटा ये जो है बचा रहे। तो मैं क्या करूंगा, दो आर वन की जगह दो, दो से लेकर रो कितनी हो रही है अब मेरी तीन तक हो रही है, यहां पर क्या लिखूंगा तीन, और कॉलम क्या आ रहा है मेरा चार, इनको सबको डिलीट कर दो, बाकी सबको रहने दो, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एट द रेट दो दो क्लियर टू तीन कोमा चार, तो क्या हो जाएगा, जैसा मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि उसके बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और बाकी वाला जो चीज होगी वो वैसे की वैसी यथावत बनी रहेगी। ये हो गया आपका क्लियर टू कमांड। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे कमांड की जिसका नाम है गेट कमांड। गेट कमांड, गेट कमांड किस प्रकार कार्य करता है चलिए देखते हैं। ये कमांड किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स बनाकर प्रदर्शित करता है। इसका सिंटेक्स जो है वो इस प्रकार रहेगा, एट द रेट रो कॉलम सी ओ एल गेट वेरिएबल्स, कि किस किस वेरिएबल को आपको लेना है। उसके बाद में आप नीचे इसके अंदर देखोगे एग्जांपल, इसने दे रखा है नंबर इक्व टू 10, सिटी इक्व टू कोटा। अब एट द रेट किया है इसने दो और पांच में, कि दो नंबर की रो और पांच नंबर के कॉलम के अंदर गेट नंबर, नंबर को आप ले लीजिए। अब इसके अंदर क्या कहा, एट द रेट चार, चार नंबर की रो और पांच नंबर के कॉलम के अंदर गेट सिटी। तो आप इसके अंदर देखो आपके जो आउटपुट जो आ रहा है उसके अंदर वो वहां से जो डाटा है उसको फेच कर रहा है, देख रहे हो आप ऊपर से, 10 को उसने दो नंबर की उसके अंदर डाल रखा है और कोटा को उसने चार नंबर की जो रो है उसके अंदर डाल रखा है। ये इसका हो गया इसका आउटपुट, ये है गेट का। उसके बाद अपन बात करते हैं रीड कमांड की। रीड कमांड, रीड कमांड किस प्रकार से रहेगा, ये कमांड गेट के साथ यूजर से वैल्यू इनपुट लेने में प्रयोग आता है। ये कमांड अभी तक दिए गए सभी गेट टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्टिवेटेड कर देता है गेट के अंदर। यू नो, अभी आपको यूजर से कुछ डाटा चाहिए, आप पूछते हो आपकी एज क्या है, एज आप तो डिसाइड नहीं कर सकते, आप तो यूजर से पूछोगे कि आपकी डेट क्या है, तो उस वक्त हम रीड कमांड का प्रयोग करेंगे। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, नंबर इक्वल्स टू 10, ठीक है, उसके बाद में
सिटी इक्वल्स टू नागौर। उसके बाद में हमने क्या किया, एट द रेट दो नंबर रो के अंदर, पांच नंबर कॉलम के अंदर क्या करना है, गेट नंबर। क्या करना है हमें, गेट नंबर। और दूसरे में क्या किया हमने, दो नंबर रो के, चार नंबर रो के अंदर पांचवा कॉलम, उसके अंदर क्या गेट करना है, सिटी। सिटी को गेट कर लो। और लास्ट में हम लगा देंगे रीड। तो उसमें क्या होगा कि जो अब यूजर जो इनपुट देगा, जैसे मैंने यहां पर इनपुट दिया 101 मेरी नंबर के बारे में और सिटी मैंने दी कोटा, तो ये आके वहां पर प्रिंट हो जाएगा, ना कि ये वाला जो है वो उसको लेगा। क्यों, क्योंकि हमने रीड का ऑप्शन दिया उसको कि ये जो यूजर से जो चीजें हैं उनको रीड करे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, रीड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन कैसे होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। गेट कमांड के लिए किए गए इनपुट, जैसे हमने अभी गेट किया तो उनसे जब इनपुट लिया जा रहा है तो उनको वैलिडेट करना है, तो इसके लिए भी फॉक्स प्रो में इंतजाम है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि यूजर द्वारा दी गई वैल्यू नियमानुसार है या नहीं, यह जांचने के लिए गेट कमांड के साथ डिफॉल्ट, वैलिड और रेंज कीवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले वैलिडेशन क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि फेसबुक को चलाने के लिए आपकी कम से कम उम्र जो है वो 13 साल होनी चाहिए, ये एक नियम है। ठीक है, अब आप जैसे ही फेसबुक के अंदर जाते हो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। अब आप अगर अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर आपने 13 साल से कम डाली हुई है तो फेसबुक आपको आपका अकाउंट बनाने नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया कि अगर इसकी उम्र इतने से ज्यादा है तभी वो काम कर सकता है। जैसे आप अपने क्षेत्र के अंदर जब चुनाव होते हैं, अगर आप 13 साल के हो, 14 साल के हो, इवन 17 साल के भी हो, और आप अगर जाते हो वहां पर या फॉर्म नंबर 6 भरते हो ऑनलाइन, तो वहां पर आपकी एज पूछता है। अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी नहीं बनेगा। जिस प्रकार से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हो, आपकी उम्र अगर 18 साल नहीं है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है कि वैलिडेट मेरा डाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने किसी से फ़ोन नंबर मांगे और उसने गलती से भी अगर 11 नंबर के फ़ोन नंबर लिख दिए तो वो डेटा मेरे कुछ काम का नहीं है। तो उस स्थिति में हम वैलिडेट कर लेते हैं पहले ही कि ये जो इसने व्यक्ति ने डाटा डाला है क्या वो सही है या फिर गलत है, या फिर जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में है या नहीं है, इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। चलिए देखते हैं, गेट कमांड में के लिए गए इनपुट पर वैलिडेशन करने का इंतजाम है। इसके अंदर क्या होता है, तीन जो कीवर्ड हैं, डिफॉल्ट, वैलिड और रेंज, इनका उपयोग किया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, एक एग्जाम्पल है, एट द रेट रो कॉलम गेट वेरिएबल्स जो भी हमें लेने होंगे वो लेंगे हम, डिफॉल्ट वैल्यू जो हम पहले बता देंगे कि भैया इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसकी कम से कम उम्र जो है 18 साल तो होगी, सॉरी 25 साल तो होगी, 25 साल होगी तो हम 25 साल लिख देंगे इसके अंदर कम से कम। उसके बाद वो बदलना चाहे उसकी मर्जी है, पर कम से कम तो 25 होनी जरूरी है। और वैलिड कंडीशन इसके अंदर ये होगी कि वो 24 नहीं डाल सकता इसके अंदर चेंज करते समय। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले रखा है इन्होंने कि क्लियर एट द रेट पांचवी रो पांचवी कॉलम के अंदर रेंट जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 250 रुपए। अब नीचे आपने रीड लगा दिया कि अब आप अपने यूजर से पूछ लीजिए कि क्या आप देना चाहते हो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि जो रेंट है उसकी वैलिड जो है वो 400 से ज्यादा हो या 500 से ज्यादा हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका रूम जो है वो 1000 से कम तो आप नीचे में रेंट पे देते ही नहीं, तो 1000 डाल दो उसके अंदर। ये सब चीजें हैं। आज हमने पढ़ा ये कि किस प्रकार से कस्टम स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि एट द रेट
से और गेट, एट द रेट से और गेट, इनका जब मैं उपयोग कर रहा हूं तो पाने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स और फंक्शन और पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं, उनको आपको दिमाग में रखना है, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसके बारे में सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये चीजें सब समझ में आई होगी। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के फंक्शन का प्रयोग किया जाता है और पिक्चर जो कमांड है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। हमारे साथ बने रहिए, घर पे बैठ कर खूब पढ़ाई करें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।